केसेस पीपल हैव आई डिड नॉट फॉरगेट, पीपल डोंट की नकीबुल्ला केस एनी मोर वी आर फाइटिंग इट इन स्टिलो देर इज नो नो मीडिया और प्रेस पहले तो होता था ना यार हेरिंग से बाहर निकले मीडिया अक्सर क्या 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 yes. बयान क्या बात करेंगे तीन चार साल हो गए ऐसा कुछ नहीं है हम हर पेशी पर पे जाते हैं दीवाने हैं क्या कमिटमेंट है भाई यू डू इट उसका स्टेटस क्या है वैसे उस केस का सर उसका स्टेटस ये है कि अभी हाई कोर्ट के अंदर अपील ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड कॉल कर लिया है बिकॉज हमने उस पर बहुत मोटे मोटे नुकते उठाए हैं कि भाई जितनी दफ़ात लगी थी मुजमान के ऊपर मर्डर किडनीपिंग जाली असलह और जाली बम बारूद रखना प्लेस करना इनके ऊपर क्या कहते हैं आपके विक्ट विक्टम्स, विक्टम्स के ऊपर इनमें जहाँ तक जाली असलह और बारूद की बात है जजमेंट में जिक्र ही नहीं कि इनको सजा हुई गया या इनको बरी किया है डिस्कस ही नहीं हुआ हुआ तीन डिफरेंट केसेस गए बम बारूद का अलग था असले का अलग था और किडनैपिंग मर्डर का अलग था तीनों केसेस के अंदर विटनेसेस इकट्ठे चला दिए एक का बयान दूसरे में कॉपी पेश कर दिया जो कि लीगल चीज़ों के खिलाफ है मतलब कि एक एफ के गवाह हैं उनको दूसरी एफ में चलाया जा रहा है एक एफ के मुलजम हैं उनसे दूसरी एफ के गवाहों से गवाही ली जा रही है ओ ये भी ये mix. भी काम होता रहा ठीक है उसके अंदर फिर अजीब किस्म के कमेंट्स के हम आई विटनेसेस जो दो लड़के थे नकीब के साथ कासिम और हज़रत अली ये और जो बाकी गवाह हैं एक ऑब्जर्वेशन जज साहब देते हैं यार कि सबका ताल्लुक वजीरस्तान से है और इन्वेस्टिगेशन का एस एस पी भी कह रहा है कि वजीरस्तान के अलावा किसी और बंदे से इसने इंटरव्यू नहीं किया तो ये थोड़ा सा मतलब कि एक ही जगह के सारे हैं जैसे कि वजीरस्तान जो है वो अस्सी गज़ का बफर जोन में घर है जहाँ आठ लोग रहते हैं यार लाखों की आबादी है आप इतने बड़े रीजन की बात कर रहे हो ऑफ कोर्स वो एक पट्टी में रहने वाले हैं सारे वजीरस्तान से आपने कह दिया मतलब कि सब जिगरी होंगे बिकॉज दे ऑल वजीरस्तान तो सब एक ही होंगे इसलिए दूसरे के बारे में गवाही दे रहे हैं इस तरह के ऑब्जर्वेशन उस जजमेंटमेंट्स हाईली हाईली का कहते हैं क्वेश्चनेबल वो हम आपको अपील से इसके ऊपर लड़ रहे हैं अच्छा जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कि के इस केस से अवेयर नहीं है तो उनको अगर आप एक दो मिनट में ब्रीफ़ कर दें कि ये केस क्या है देखिए कराची शहर के अंदर जब पॉलिटिकिंग शुरू हुई कि आप स्टेट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके पावर हब्स बनाएंगे और मसल इस्तेमाल करेंगे तोड़ने में और बनाने में जिसमें शिकार हुई उस वक्त महाजर कौमी मूवमेंट अब मुतहदा कौमी मूवमेंट के लाती है और उसके दो घड़े बने हकीकी और नॉर्मल मुतहद जो अलताफ़ हुसैन ग्रुप था और इसमें जब आपने ऑपरेशन किए तो ऑपरेशन के अंदर कभी आपने इसको आई एस आई से लीड करवाया कभी आई बी से लीड करवाया कभी पुलिस उसमें पेश पेश रही तो उसमें कुछ पुलिस अफसरान नुमाया हुए जिसमें से आ, आ, बहादुर अली हो गए राव अनवार हो गए फहीम कमांडो हो गए चौधरी असलम हो गए तो ऐसी ही करदार था अनवार जिसकी शहरत थी कि वो इनकाउंटर करता है ही रोज़ टू फेम बाय असासीटिंग इन एन एनकाउंटर फारूक दादा और वो इतना मजाक खेस है कि आज तक एफ पी का एसोसिएट फॉर प्रेस का यूट्यूब पर क्लिप पड़ा हुआ है कि एक ऑल्टो से इसमें अगर पाँच बंदे मेरे साइज़ के बैठेंगे तो कोहनियाँ घुसी हुई होंगी दूसरे के पेट के अंदर हुँ. उसमें से पता नहीं छः शायद उन्होंने किए थे और उसके अलावा कम से कम उन्होंने मेरे ख्याल में वेट के हिसाब से कोई 500 किलोग्राम तो असला निकाल दिया था अच्छा माशाल्लाह मतलब इतनी गने इतना बम इतनी बारूद इतनी गोलियां के बंदा परेशान हो जाए कि अगर या तो ये ऑल्टो में आ सकती है और ऑल्टो बैठ जाएगी नीचे <laughs> चलीगी नहीं या ये लोग ऑल्टो में आ सकते थे ये दोनों चीज़ें नहीं आ सकती तो ऐसा ड्यूबियस इनकाउंटर होने के बाद फारूद अदा की जो भी प्रोफाइल हो योस्फेम एक तरीके से उस वक्त पुलिस वाले जो है वो दहशत की अमत बन गए थे कि जी इसके हाथ ना पकड़े जाना इसके हाथ ना आना चलते चलते जी वो पीपल्स पार्टी के भी मंजूर नजर हुए वो जब कराची के अंदर बहरा टाउन की बात हुई तो मलिक रियाज के भी मंजूर नज़र हुए और वो हमारे इदारों के लिए भी बहुत मौसर साबित हुए और पहले जिसना एक जबान की सतह के ऊपर महाजिर अहले ज़बान डीमोनाइज़ किए गए कराची में उसी तरीके से पोस्ट ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो पश्तून बोलने वाले थे जिनका तल्ल फाटा बेल्ट से था उनको डिमोनाइज़ किया गया और एक मखसूस रंग नसल जबान के दिखने वाले लोग एक मखसूस गेटअप के लोग जो मेन्सी मीडिया या मारा मीडिया दिखाता था रवायती उसमें लोग होते थे और आए दिन जो कि धमाका होता था कराची में मेरिड में धमाका हो गया पी के सामने धमाका हो गया फ़लानी जगह धमाका हो गया इधर सी आई हेड क्वार्टर पर धमाका हो गया तो इतना वायलेंस हो रहा होता है ना शदीद किस्म का तो आप फ़ौरन शॉक थेरेपी ढूंढते हो जल्दी 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 तो इनकाउंटर इकाकाउंटर इनकाउंटर इनकाउंटर रोज़ इनकाउंटर हो रहे हैं हुए चले जा रहे हैं हुए चले जा रहे हैं कभी रावन वार साहब कर रहे हैं कभी और कर रहे हैं बट वी नेवर बॉदर्ड बिकॉज वी डेंट हैव द दपेसिटी टू डाइजस्ट के इनकाउंटर की इंक्वायरी भी होगी कल धमाका हुआ है आज इनकाउंटर कर पड़ गया शुक्र अलहमदिल्ला 2015-16 में मुझे लगा कि जब ये टूटा एक सारा जो एक वेव थी टेरर की और ज़रा अमन थोड़ा कायम हुआ और हमारे अंदर कैपेसिटी आई इनकाउंटर अ मिनट फेयर है कि क्या है मेरे ख्याल में थोड़ी कैपेसिटी भी आ गई थी जनवरी 2017 के अंदर एक नौजवान कराची से गायब होता है उसकी तस्वीरें फेसबुक के ऊपर वायरल होती हैं और वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे आप इमेजिन करते हैं कि वज्रिस्तान का नौजवान कैसा होगा स्ट्रीकिंग हुई हुई ग्लैमरस बड़े बाल उगे ऐसी कटी हुई ऐसी शेप दाढ़ी बनी हुई यूं खड़ा हुआ यूं खड़ा हुआ है मज़े मजे के शलवार कमीज पहन के और दूसरे लिबास पहन के एस्पायरिंग मॉडल मतलब कि तमाम वो चीज़ें हरकत जिसकी वजह से आप कहते हैं कि टी टी पी वाले तो गले काटते थे सवात में ये बाल काटने में दाढ़ी बनाने में फैशन फूशन करने में तो हमें नजर नहीं आ रहा है कि ये लड़का इंकाउंटर में राउंड वार कह रहा है टी का दहशत मारा गया है ये तो हर वो चीज कर रहा है जिस वजह से दहशतगर्द खुद को मार देंगे तो एक तो उसने तजस पैदा किया दूसरा उसके इनकाउंटर के बाद जो गायब हुआ ये शोर मचा कि जी तेरह ये सोलह सत्रह तारीख को रावनवार कहते हैं कि इसको इनकाउंटर में मारा और तीन तारीख से फेसबुक पर ख़बरें आ रही थी कि यह अगवा यह ग़ायब है तो ये लोगों ने सवाल किया कि वट वॉज द कनेक्शन ऑफ दिस वॉज द सेम नकी बुल्ला दे रहा ही इज़ मिसिंग प्लस इफ ही इज़ द सेम पर्सन इसकी तो प्रोफाइल ही वो नहीं है जो हुँ. ये लगता है थर्ड चीज़ कि आपका एक आवाम का हजूम ऐसा आहिस्त जो कि बाद में धरने में तब्दील हो गया मुस्तकिल दस पंद्रह दिन के लिए बैठ गया सौराब घोट और उसके ऊपर जो लास्ट नील इंडो कॉफिन थी कि सो मोटो ले लिया चीफ साहब ने इसने सारी तवज्जो पाकिस्तान की इस पर ला दी उसके बाद राव साहब फ़रार हो गए और उनके बाकी तमाम साथी भी अंडरग्राउंड हो गए और सो मोटो लेने के बाद तीन महीने तक पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस पुलिस ऑफिसर्स को जो एस रैंक में सर्व कर रहा था बकौल मुल्क के तमाम हसास इदारे और आई जी पता ही नहीं ज़मीन खा गई आसमान निकल गया और फिर सडनली एक फुटेज आती है कि उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से किसी प्रोटोकॉल ऑफिसर के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है इमिग्रेशन से मगर उनको रोक लिया जाता है वो नहीं जा पाते तो ये सवाल उठता है और ये ये जो तो अफसर ये हरकत कर रहा है ये कौन है ये एयरपोर्ट का ही अफसर है या कहीं और का अफसर है ये आगे पीछे हो रहा है ज़रा इसको बुलाया जाए जब ये सवाल उठा तो राव साहब खुद ही आ गया अरे छोटे खा जा रहे हैं आप मैं मैं आ जाता हूँ ना फुल फिल्मी एक्शन के अंदर कोर्ट के अंदर वो आगे भागते हुए ये सब तमाशे हमने होते हुए देखे कि कहाँ तक है आप एनवेलप पुश कर सकते हैं और कहाँ पे फिर चीजें आती हैं वापस आए उनको अरेस्ट किया गया उनको एक दिन भी जेल नहीं गुजारने दिया गया उनके मलिर में शान घर को सब जेल डिक्लेयर किया गया उन्होंने पूरा ट्रायल वहाँ पर गुजारा Uh, पुलिस के जो एहलकार थे चूँकि ये ट्रायल इतना लंबा एक्सटेंड हुआ पाँच से छः मेन विटनेसेस बिकॉज देखिए पुलिस ने ही किडनेप किया पुलिस ने ही टॉर्चर किया पुलिस ने इनकाउंटर किया और पुलिस ने रिवील किया दे वर नो प्राइवेट विटनेस फॉर द एंटायर एपिसोड पुलिस के अपने लोग थे तकरीबन तो पाँच लोग मुनरफ हुए बयान से वो एक अलग क्राइसिस और किस्सा है जिसका हमने फैसला आने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नकीब के भाई के साथ बता दिया था आवाम को कि ये सब सेट हो गया चीज़ें ये इस तरह से जा रही हैं तो ये इवेंचुअली ये कुटिल हुआ और मुझे की बात यह कि राव अनुसार साहब कहते रहे कि जी मैं तो था ही नहीं मौके पे मौजूद ये तो मेरे जूनियर्स ने इनकाउंटर किया पहले ही ओन दी इनकाउंटर द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ही डेट उन्होंने जाहिर किया कि मैं ही खड़ा था मैंने नहीं तो मुकाबला किया है मैंने नहीं तो कॉम के लिए सीने पर गोली भी खाने को तैयार था और मैंने ये चार दहशतगर्द पकड़ लिए और बाद में उन्होंने कहा जी मैं नहीं था आई वॉज ऑन द वे जूनियर्स ने इनकाउंटर किया था जिन जूनियर्स का उन्होंने नाम लिया वो चार पाँच साल लापता रहे पाकिस्तान में जब तक राव अनवार साहब रिहा नहीं हो गए बरी नहीं हो गए इस केस में फैसला नहीं आ गया तब वो भर के सामने आए अब उनका ट्रायल शुरू हो रहा है उन मेन सात लोगों का तो ये टोटल पच्चीस को इतना छुपा के दिया गया कि जो तुम मेन हो हिज्जे हिज्जे में सिस्टम को तोड़ेंगे तुम लोग सामने आ गए तो जरा काम खराब हो जाएगा कोई किसी के सामने बोली ना पड़े सबको तो नहीं डाल सकते ना सब जेल में मलिर में कोई तो आम जेल भी काटेगा तो इन्होंने इस तरह से वक्त गुजारा इस तरह से गवाहियाँ बदली गईं इस तरह से ये बरीक की तरफ गए सवाल हुआ जी कि राव साहब तो नहीं थे वहाँ पे जियो फेंसिंग पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती थी कि वॉट डॉज द जियो फेंसिंग डेटा से वेयर वॉज राव ऑन हाउ फॉर वॉज ई फ्राम द प्लेस ऑफ इंसिडेंट जब यह वाक़ा हुआ जियो फेंसिंग के लिए हमने दरख्वास्त दी कि जी एफ आई ए से एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो कि आवाम को यह रिपोर्ट कोबरेट करके दे और सपोर्ट करके दे अदालत ने ख़ुद वो रजट की रिजट की हमारी दरखास्त की जी कोई ज़रूरत नहीं है एफ आई ए से एक्सपर्ट को बुलाने की हम अपील में चले गए हाई कोर्ट कि जी आप हमें एक्सपर्ट बुलाने दीजिए उस दौरान पिछले ने अदालत ने फैसला देके के को बरी भी कर दिया और तमाम तर जो मैंने आपको वजूहत बताई कि जी वो वजीरस्तान के हैं सारे या इस चीज़ में फैसला ही नहीं दिया उस चीज़ में फैसला नहीं दिया अदालत ने कई सारे पेज इस बात पर सर्फ किए कि भाई ये जो जियो फेंसिंग डेटा है इसको तो कुछ सपोर्ट करने एक्सपर्ट ही नहीं आया खुद एक्सपर्ट को रिजेक्ट करके ये भी एक ग्राउंड है अपील में हमारे पास कि ये आप हमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने ही फैसले से ये सारे मामलात हुए, ये सारी चीजें इसमें हुई और नकीबुल्ला केस की जो सबसे बड़ी ट्रेजडी रहेगी वो रहेगी साबिर और इसाक आपने शायद ये नाम ना सुने हो नकीबुल्ला के साथ तीन लोग और इस इनकाउंटर में मारे गए थे नजर जान साबिर और इसाक साबिर और इसाक का ताल्लुक साउथ पंजाब से है दोनों रिश्ते में मामा भांजे थे नकीब के बारे में कहते हैं कि जी दस दिन अगवा रहने के बाद कराची में मलिर में तश्शनाक हालात के अंदर मारा पाया गया रसाक की खबर पंजाब में मकामी अखबार में छपी थी वाकई से डेढ़ साल पहले कि सी टी डी ने रेड करके इनको गिरफ्तार किया है जो डेढ़ साल से गायब थे वो क्या कर रहे थे मलिर में hmm. वो एक सुबह से दूसरे सूबे कैसे आए हाउ डिड दिसमोल्व उस तरफ तो कभी इन्वेस्टिगेशन गया ही नहीं उस तरफ तो कभी मीडिया का रुख गया ही नहीं तरफ तो कभी गया ही नहीं नॉट जस्ट तो ये अनफॉर्चुनेट है मगर इस तरह के जो हैं वो इस्तेमाल होते रहते हैं अभी तक हो रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट भी होते रह रहे हैं बट hmm. ये भी एक तल हकीकत रही है शहर के अंदर आ, फेक इनकाउंटर्स की रविश और कम से कम जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई नकीब के वाक्य के बाद से और एक सोशल मूवमेंट शुरू हुई आ, उसने एक ए, बहुत बेहतरीन लाई पाकिस्तान के हालात में और यूज़ ऑफ वायलेंस जो पुलिस की तरफ से होता है उसके अंदर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा शुक्रिया